कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे ऑनरेबल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उनके हाथ में सौंपी थी, आज उसी का फ्लोर टेस्ट हुआ जिसमें 10 मेम्बरान प्रेजेंट हुए और जो श्रीनगर का चेयरमैन डीडीसी था उसको उस पोस्ट से वैकेंट किया गया है। सर कारण क्या था उसको वैकेंट करने का? अगरचे अभी तक हालांकि कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुए, तो स्टार्टिंग में एक चेयरमैन को रिमूव करना? नहीं एक्चुअली ठीक है, मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है, प्लानिंग अभी हमारी प्लानिंग चल रही है पूरी, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ आपको, जितने सारे विषय थे सारे मेम्बरान का, उनका यही कहना था कि हमारी कोई बैठक नहीं होती है या जो फराइज जैसे हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई या बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पे कभी आज तक डिस्कस नहीं हुआ। अगर आज 6 महीने अपनी पार्टी को चेयरमैन बने हुए थे लेकिन उन्होंने आज तक एक भी मीटिंग डीडीसी मेम्बरान की नहीं ले ली ताकि वो लोग जाने, या मतलब और सारे मेम्बरान में ये चीज का क्रोध था इसलिए उन्होंने अपना जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था ये मूव किन की तरफ से किया गया था एग्जैक्टली? सारे मेंबर्स ये सारे मेंबर जो 10 मेंबरान आज प्रेजेंट हुए उनकी तरफ से मूव किया गया था। तो अब आगे के लिए क्या प्लान रहेंगे? आगे वही है, जो अपने मेंबरान जितने सारे बैठेंगे मंथन करेंगे उस पर चिंता होगी, जो अच्छा व्यक्ति होगा, हम चाहते हैं श्रीनगर में डेवलपमेंट हो, जो वैक्यूम बना हुआ है लोगों के पास जाने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है, अगर अच्छा व्यक्ति हम लोग आगे देते रहते हैं पब्लिक को उनको भी उसमें आसानी होगी और हमारे पास है काउंसिल में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो उस चीज को अच्छे से निभा सकते हैं। आपको पता होगा इसमें कोई पार्टी का कोई दखल अंदाजी नहीं है, चाहे पीडीपी है चाहे एनसी है, इवन अपनी पार्टी के जो मेम्बरान है उन्होंने सबने मिलकर हमने चाहा कि श्रीनगर डेवलपमेंट जो श्रीनगर में रूरल विकास होना चाहिए हम लोग भी कुछ अच्छा करें, उसके लिए हम लोग निकले हैं। ऐसा नहीं हमने किसी अपनी पार्टी को सौंपा था तो वो अपने हिसाब से पार्टी चलाने के लिए काम कर रहे थे। मुझे लगता है आने वाले समय में जो हमारे मेम्बरान वो बैठेंगे और अच्छे चेहरे को श्रीनगर के सामने लाएंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा एजाज साहब, अभी फिलहाल के लिए कुर्सी किसको सौंपती गई है? नहीं, जो हमारा कानून है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे वाइस चेयरमैन है उसको पावर्स डेलीगेट किए गए हैं जब तक इलेक्शन हो जाएंगे और जब तक नया एक चेयरपर्सन मंत्री होगा। इलेक्शंस के आपके पास क्या अपडेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कब तक होंगे एग्जैक्टली? जो हमारा रूल बोलता है पंचायत एक्ट उसमें 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, ये ऑनरेबल डीसी साहब का निर्णय है, जब भी वो चाहेंगे जब भी वो दूसरा इलेक्शन करना चाहेंगे तो हम लोग सब रेडी हैं।